वंदे मातरम। जिस चीज का डर था वही होने लगा है। धीरे धीरे देश के अलग अलग हिस्सों में, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, सब जगह पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, मारा जा रहा है, कई पत्थरबाजी हो रही है। कश्मीर वाला किस्सा दोबारा से दोहराया जा रहा है हर जगह पर। मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कारण क्या है इसका। हम तो कभी किसी को ऐसा नहीं कहते, सिर्फ ये कहते कि आप लाउड स्पीकर पर जो अजान वगैरह करते हो वो मत करो, हमें नहीं सुननी। हम क्यों 5, 6, 7 बार हम आपकी ये बार बार ये बातें सुने? हमने तो कभी अपने मंदिरों में लाउड स्पीकर नहीं लगाए। अगर हम नवरात्रि में लगा रहे, अगर हम कोई भी शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, या हम कोई भी अपने देवी देवता का जन्मोत्सव मना रहे हैं, तो उससे आप लोगों को क्या परेशानी हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है? और फिर लोग कहते हैं कि आप लोग इतना बोलते हो, इतना गुस्सा करते हो, आप लोग हिंदू मुस्लिम करते हो, आप ये करते हो, क्यों? अब ये सुनकर भी और ये देखकर भी अगर खून नहीं खोला तो फिर क्या फायदा, क्या फायदा इस जीवन का, और क्या फायदा हमारा हिंदू होने का जब हम हिंदुओं के लिए ना खड़े हो सके? तो समझने की आप लोग कोशिश कीजिए। आज का समय है, हमें भूलना चाहिए इन सब बातों पर, हमें खुलकर आगे आना चाहिए। सरकार क्या फर्क पड़ता है, कौन सी सरकार है, किसकी सरकार है, क्या लेना देना? कल को ये सरकार नहीं होगी तो क्या मतलब हम बेकार हैं? क्यों धारा 30 को नहीं हटाया जा रहा है? क्यों हम अपने अपने ग्रंथों को नहीं पढ़ सकते? क्यों मदरसे तो है और क्यों गुरुकुल तो नहीं है? हमें ऐसा लगने लगा है कि हमें बहुसंख्य होने की सजा दी जा रही है। एनआरसी पे बात होती है तो दंगे शुरू हो जाते हैं। कभी भी आप अपने धर्म के हित में, अपने देश के हित में बात करें तो दंगे शुरू हो जाते हैं जगह जगह पर। अभी तो शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, रथ यात्रा निकाली जा रही थी, हर जगह पर दंगे हो रहे हैं। मूक बनकर मत बैठे रहिए सरकार की तरह कि हाँ देखेंगे, इसकी इंक्वायरी हो रही है। इंक्वायरी क्या, जब वहां के लोग बताने लग रहे हैं कि ये घर मुस्लिम का था और इन्होंने हम पर पत्थर मारे हैं, इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया है, इन्होंने हमारे साथ वैसा किया है, वो झूठ बोल रहे हैं। आप लोगों का पता नहीं, खून खोलने लग जाता है जब न्यूज देखो, तब कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है। हम बहुसंख्य है, यह हमारा जुर्म है, हमारी गलती है, ये हमें सजा मिल रही है उस चीज की। जागिए, किसी निर्दोष से आप कुछ मत कहिए, लेकिन जो आपके साथ गलत कर रहा है आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें। वंदे मातरम सभी देशवासियों को, मैं देशभक्त गायिका, और मेरा सबको हाथ जोड़कर प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।